और उसके बाद जब इस पे आवाज उठाई गई कि भैया आप नहीं डिस्टर्ब कर सकते हमें, एकदम ऐसे करीब आकर खड़े होना 2 मिनट तक ऐसे, बाकी बहुत सारी लड़कियों को परेशानी भी हुई है इसके लिए, कुछ लोग बेहोश भी हुए हैं, है ना। और उसके बाद आज अगर उनके लिए आवाज उठाया गया कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, उससे पहले उन्होंने हाथ उठाया था, उससे पहले एक लड़के पे हाथ उठाया गया और वो लड़के को जब मारा गया तो किसी, जिस लड़के ने आवाज उठाई कि भैया आप मारने वाले कौन होते हैं, आपको ऑथराइज्ड नहीं है, उसको उठाकर लेके गए और वो कॉलेज एन कॉलेज के क्लास से लेके गए, और जबकि वहाँ पे टीचर्स थे, टीचर्स ने कुछ नहीं किया, और टीचर्स ने क्या बोला, मैनेजमेंट देख रहा है, प्रिंसिपल देख रहे हैं, थाना देख रहा है, लेकिन ना ही मैनेजमेंट देखा, ना ही प्रिंसिपल देखा और ना ही थाना देखा, वो पिट के आया है वो लड़का। तो हम लोग क्या भी, अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, क्या क्या ये है कि वो हम लोग को मिलेगा ही जस्टिस, फिर धमकी दिया है कल हो कि उसको मारेगा, क्या कौन लोग थे जो अब कहाँ के लोग थे, ये कॉलेज बताएंगे, कॉलेज के छात्र कितने हैं, ये कॉलेज बताएंगे, डेली रूम में आते हैं कॉलेज, कॉलेज अगर सर एक बात बताइए, क्या किसी पेरेंट्स को, पेरेंट्स को आने का है सर, कोई पेरेंट्स आ सकता है, कोई अदर आदमी आ सकता है कॉलेज हॉल में, नहीं आ सकता, वो 13-13 लोग आ रहे थे तो कॉलेज बताएंगे ना कि वो कौन लोग थे जो कॉलेज में आ रहे थे। कॉलेज प्रशासन की जो भूमिका है उन्होंने कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं किया, उसके सामने लड़के को उठा के लेके गए और हम लोग बचाने के लिए तो ग्रिल लगा दिया और हम लोग को जाने भी नहीं दिया, मदद किया गया लड़कियों लोग को भी, दो तीन लड़कियों को तो बेहोश हो गई है, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। सर एक बात बताइए, गंदे वर्ड यूज करना लड़कियों के सामने, क्या ये सही बात है? पुलिस से भी क्या करवाई मैंने, पुलिस से क्या आप मांग, कॉलेज में ही ऐसा होगा तो बाहर क्या होगा, पुलिस से क्या न्याय मांगती हैं आप? जो लड़का को मारा गया, जो जिसने मारा उसको सजा मिले, और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो, इन कॉलेज के खिलाफ भी थोड़ी सी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। सुबह वाले हमेशा करता है, सुबह हर सुबह में भी लोग पिनक गया था। क्या नाम हुआ आपका? 8-10 थैंक यू। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम एन कॉलेज में चल रहा है, जो तो परीक्षार्थी हैं इनका शिकायत है कि कुछ अनवांटेड लोगों द्वारा एग्जामिनेशन हॉल में इनके साथ मिसबिहेव या अभद्र व्यवहार या मारपीट की घटना की गई है, लोग आवेदन दे रहे हैं, आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जांच और इन्वेस्टिगेशन चलेगी, क्या सही है क्या गलत है उसके बाद विस्तृत रूप से बताएंगे। वो पूरी तरह नाम ये लोग नहीं जान रहे हैं, ये लोग का कहना है कि छात्र नेता थे या कोई बाहरी अनवांटेड लोग थे। प्राचार्य से बात हुई है? हाँ, प्राचार्य महोदय से बात हुई है, तो लोग बोले हो सकता है कि कुछ छात्र संघ के कुछ नेता हों या अनवांटेड लोग हों। तो वजह क्या रहा, क्योंकि बाहरी व्यक्ति एग्जाम हॉल में फिर एंट्री करते हैं तो क्या ये सही है? तो जाँच का विषय है, बाहरी लोग थे अंदरूनी लोग थे, उसके बाद ही कुछ विस्तृत रूप से बताया जा सकता है। आवेदन दिया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से आवेदन ले रहे हैं, आवेदन लेने की कार्रवाई हो रही है, नामजद मामला दर्ज हुआ है, देख करके बाद में बताएंगे हम आवेदन में क्या आएंगे, आवेदन लेने की प्रक्रिया चल रही है।